guys, welcome to my channel Wonderless Born to Travel. My name is Himani and I'm back with another video. और title से आप सभी को पता चल गया होगा कि ये video किस बारे में होने वाला है. अब YouTube पे बड़ा trend कर रहा है ये and बहुत से लोग last month से ये videos create कर रहे हैं that 5 minute craft जो channel है YouTube पे. They do amazing work. So उनके fashion hacks जो कि लोग बड़े कर रहे हैं, recreate कर रहे हैं और try करके देख रहे हैं कि do they actually work. So मैंने सोचा कि चलो मैं भी ये try करती हूँ and आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि I'm a traveler but at the same time I love styling myself और मुझे बड़ा अच्छा लगता है different different तरीके से अपने एक कपड़े को reuse करना because travel light करना और travel में रिलेटेबल फैशन को कैरी करके रखना ये मेरा शौक है और ये मेरा पैशन है. सो या मेरे चैनल पे आपको ट्रैवल और फैशन से रिलेटेड वीडियोस दिखते हैं. सो टुडे आई एम गोना शो यू एक्चुअली आई एम गोइंग टू ट्राई 5 ऐसे फैशन हैक्स जो कि 5 मिनट फैशन हैक्स में दिखाते हैं. सो मैं उनको यहाँ पर ट्राई करने वाली हूँ आपके सामने कि डू दे एक्चुअली वर्क. सो या विदाउट एनी फर्दर डू इस वीडियो को शुरू करते हैं. बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली ये सब्सक्राइब बटन दबाना. इट विल मीन अ लॉट टू मी. ऑल्सो आपको अगर मेरे ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज देखने हैं वो भी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं. सो या तीर्थन वैली सीरीज जो है अभी चल रही है मेरे चैनल पे. सो गो एंड वॉच दैट. ऑल्सो अब बिना ब्लैबर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. सो फर्स्ट स्टाइल जो कि ये लड़की दिखा रही है एक प्लाजो पैंट से उसने एक ड्रेस बनाया है विच इज़ लाइक ऑफ शोल्डर वन साइडेड एज यू कैन सी इन दिस स्क्रीन. सो इसे मैं ट्राई करने वाली हूँ. सो या आई हैव दिस प्लाजो पैंट्स जो कि ब्लैक कलर में है एंड देखते हैं कि इससे सच्ची में ड्रेस बनती है कि नहीं बनती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शी इज़ डूइंग इज एक पैर में अपनी पूरी बॉडी को वो इस तरीके से इसमें डाल लेती है. अब जैसा कि मैंने नीचे पैंट पहनी हुई है ऑलरेडी तो मुझे थोड़ा सा टाइट हो रहा है बट या आई एम गोना डू दिस फॉर यू गाइस. ओके एंड देन ये जो एक पैर है उसमें वो अपना हाँ कुछ इस तरीके से डालती है एंड ओ वाओ. सो एक्चुअल क्या लुक है इसे मुझे दिखाने के लिए ये मुझे निकालना पड़ेगा. सो लेट मी ऑफ दिस. ओ वाओ गाइस लुक एट दिस. दिस इज लुकिंग ये मेरा टमी थोड़ा सा दिख रहा है एंड ये मेरा जो प्लाजो है वो इसका स्लीव्स बस ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है बट ओवरऑल आई लव दिस लुक. डू यू लव दिस? क्योंकि मुझे बहुत सही लग रहा है मतलब ये परफेक्ट है. अगर मैं अपना कोई लाइक डार्क प्लाजो पहनूंगी थोड़ा अच्छे कपड़े वाला अच्छे मटेरियल वाला तो इट विल लुक गुड मैन. सही लग रहा है ये एक पीछे से भी इट्स नॉट लुकिंग बैड. सो थम्स अप फॉर दिस. जो कि ये स्क्रीन पर है ये भी प्लाजो पैंट्स हैं बट इट इज़ डिफरेंट ड्रेस जो कि बड़ा ही सुंदर बन रहा है. सो आप लोग ये देखिए वो कैसे पहन रही है एंड आप लोग ट्राई कि ये लुक कैसा लगता है. सो प्लाजो को इस तरीके से पहन के इसका जो ये सेकंड वाला रहता है इसको इस तरीके से उसने फोल्ड किया है एंड जिस तरीके से अ फ्यू मोमेंट्स लेटर ओप्स ओ माय गॉड गॉड हे ये मुझे एक्चुअली में ये कुछ ऐसा आया है इसका फॉल उसका यहाँ से डाउन चला गया. आई गेस उसका प्लाजो थोड़ा सा सही होगा बट लेट मी शो यू कि कैसा लग रहा है. दिस वन इज एक्चुअली लुकिंग लाइक नाइस ड्रेस. दो थोड़ा सा सी थ्रू मेरा ये प्लाजो है उसकी जो ये बीच की जो लाइन है वो आपको दिख रही होगी कि ये दिखेगी बट आफ्टर प्लाजो जैसे जैसे कि मैंने कहा कुछ अच्छी क्वालिटी का है तो ये बड़ा ही अच्छा ड्रेस बन गया. एक चीज़ और है कि उसने यहाँ पे ऑफ शोल्डर किया था इसे बट मेरा नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दैट ये फॉल मेरा यहाँ पर इतना इलास्टिक इतना ज़्यादा नहीं गया बट स्टिल ये बड़ा ही सही मतलब अच्छा स्टाइल है. इसके लिए भी मैं इसे थम्स अप दूंगी क्योंकि ये एक अच्छा जुगाड़ वाला
स्टाइल है, जुगाड़ वाला ड्रेस है, बट लगेगा भी नहीं कि आपने जुगाड़ किया है. नाइस. नेक्स्ट स्टाइल विच इज ये वाला जिसमें कि वो टॉप को उल्टा पहन रही है, और ये मुझे बहुत सही लगा बिकॉज मैं देखकर आई वाज लाइक किसे ट्राई करना चाहिए, बिकॉज टॉप को उल्टा पहन के अगर वो क्रॉप टॉप बन जा रहा है तो दिस इज गुड. और ये मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है, बड़ा सिंपल. सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव दिस टॉप नाउ. इसे मुझे ये पीछे चाहिए एंड ये मुझे सामने चाहिए. ये मतलब कि जुगाड़ के साथ साथ जुगाड़ जैसा लग भी नहीं रहा है, एंड दिस इज रियली कूल मैन. ये बड़ा सही है. सो गाइज, दिस वन इज क्रॉप टॉप जो कि उसका बन गया, एंड बड़ा ही सही लग रहा है यार. कंफर्टेबल भी है क्योंकि सही है, इसके अंदर मैं अब कुछ पहन लो एंड कंफर्टेबल है, और लग भी नहीं रहा कि आपने टॉप को बनाया है. सो दिस इज थम्स अप फॉर दिस वन आल्सो. ओके गाइस, सो फोर्थ वन इज विद स्कार्फ. सो जैसा कि लड़की दिखा रही है कि स्कार्फ से इसने टॉप बनाया है, और या दिखने में तो बड़ा कूल लग रहा है, बट मुझे नहीं लग रहा कि ये ऐसा हो पाएगा, बट या हमारा काम है ट्राई करना. लेट्स ट्राई दिस. सो आई हैव दिस स्कार्फ विद मी. सो सबसे पहले तो बालों को पीछे कर लिया जाए. एक मैंने ये टैंक टॉप पहना हुआ है, सो इसलिए इसने ऐसे किया था यहाँ से, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बड़ी अच्छी तरीके से. ये तो मेरा नॉट ही नहीं बन रहा है, आई थिंक मेरा स्कार्फ छोटा है. बन गया बन गया. ओके, सो ये कुछ इस तरीके का है, बट मुझे इसे निकालना पड़ेगा, तब मुझे समझ में आएगा एक्चुअल कि ये है भी कि नहीं. ओके गाइस, सो ये वाला जो टॉप का स्टाइल है, ये मुझे बिल्कुल भी कूल नहीं लगा, स्कार्फ वाला. इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज एज यू कैन सी, ये एक तो यहाँ से सिक्योर नहीं है पहली बार, एंड दूसरी चीज़ ये पीछे इसकी जो नॉट है वो बड़ी गंदी सी दिख रही है. एंड बिल्कुल इसे पहन के मैं तो किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसे पहन कर बाहर जाएँ, या फिर आपको इसे ट्राई भी करना चाहिए, लाइक इट विल फॉल ऑफ आप कहीं भी जाएंगे तो. तो ये तो बिल्कुल थम्स डाउन है, ये बिल्कुल भी सो थम्स डाउन. Hey, so last but not the least, ये शर्ट वाला है जिसमें कि ये ओवर साइज एक शर्ट पहन के उसे ऑफ शोल्डर काइंड ऑफ टॉप बना रही है, एंड आई जस्ट लव दिस स्टाइल बिकॉज ये बड़ा ही लाइक ऐसा है कि आप अपने बॉयफ्रेंड, अपने हस्बैंड, अपने पापा, किसी की भी शर्ट ले सकते हैं, उसे आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो. सो दिस इज़ नाइस. सो आई एम गोना ट्राई दिस, बट आई डोंट हैव मेरे पापा के पास, मेरे पापा हाफ शर्ट बिल्कुल नहीं पहनते हैं, एंड मेरा कोई भाई भी नहीं है, एंड आई एम नॉट मैरिड. सो Obviously, so I have my loose wala t-shirt, a loose wala shirt, जिससे कि मैं ये करने वाली हूँ. तो सबसे पहले तो एक अस्थि मैंने ऐसा डाल ली है, और सेकेंड के लिए जो है मैंने डाला नहीं है, यहाँ से इसे लेकर यहाँ पर जैसे बटन लगा रहे हैं जिससे कि ये सिक्योर हो जाए यहाँ से. सो ऐसे ही यहाँ पर बटन्स. ओके, वो हो गया. सो देन वी आर गोइंग टू टाई द नॉट विद दिस लेफ्ट ओवर. ओके, एंड यू आर डन. बट इसका फाइनल लुक जो है ये निकालने के बाद आएगा. सो मैं यू गई और यू आई. Hey guys, so I'm loving this one also because एक शर्ट जो है वो इस तरीके का लुक क्रिएट कर दिया इसने. एंड या यहाँ से ये जो नॉट है, अगर मेरी टी शर्ट, ये शर्ट जो है और थोड़ी लूज होती तो शायद ये और अच्छा दिखता, बट नन द लेस क्योंकि मेरा ये लूज वाला शर्ट था, हाफ शर्ट, एंड इसे बड़ा ही नया सा लुक मिल गया है जिसे मैं लाइक कहीं पर फैशनिस्टा वाले इवेंट में पहन कर जा सकती हूँ. बिकॉज या एंड पीछे से भी ये बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, एज यू गाइज कैन सी.
यस पीछे से भी ये सही लग रहा है एंड सामने से तो मुझे प्रो मस्त लाइक ऑसम ये मस्त सही लग रहा है यहाँ से जो इसका ये फॉल जा रहा है एंड ये जो यहाँ पर शर्ट थोड़ा और लंबा होता तो ये और सही लगता बट या दिस वन इज लुकिंग गुड तो मैंने जो पांच स्टाइल जो कॉपी किए जो मैंने ट्राई किया है एज आई कैन से उनमें से चार चीज़ें जो है वो थम्स अप थी एक ही थम्स डाउन था तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ आप इसका पार्ट टू देखना चाहते हो जिसमें क्या देखना चाहते हो सो मुझे ज़रूर बताना सो मैं इसका पार्ट टू भी बनाऊंगी बिकॉज आई एम कीन टू नो दैट ये कैसा वर्क करता है ये वाला वीडियो इफ पार्ट टू के लिए आप लोगों का रिस्पॉन्ड आया तो आई विल मेक पार्ट टू अभी तो के लिए ये लुक मुझे बहुत सही लग रहा है सो मैं डिनर पे इसे ही पहन कर जाती हूँ बिकॉज मुझे डिनर पे जाना है डिनर के लिए रेडी भी होना था सो या आई एम गोना वेयर दिस एंड या आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू सो दैट यू विल नोटिफाइड एवरी टाइम व्हेन आई अपलोड न्यू वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल टिल द नेक्स्ट वीडियो टाटा बाय बाय